छह के लिए पार्ट नंबर सात उत्तम पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अभ्यास कार्य करें। ठीक है, कल की क्लास में हमने उत्तम पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में जाना और हमने इस पार्ट को पढ़ा। ठीक है, अब देखिए आप निकालिए पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में फर्स्ट नंबर का प्रश्न निकालिए, उचित क्रिया पदम चितवा रिक्त स्थान ही पूरे। उचित क्रिया पद को चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। अब देखिए हम उत्तम, हमने जो कल की पाठ में पढ़ा उत्तम पुरुष के रूप जो चलते हैं आपके, कैसे चलते हैं उत्तम पुरुष के रूप, देखिए इसके रूप चलेंगे आमी, आव और आम। ठीक है, आमी, आव और आम। कर्ता क्या होंगे आपके, अहम, आवाम और वयम। क्या होंगे, अहम, आवाम, वयम। अब देखिए अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दो, और वयम का अर्थ होता है हम सब। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके उचित क्रियापद को देखते हैं। कर्ता के अकॉर्डिंग हमको क्रियापद छांटते हैं, छात्रा विद्यालय। अब कर्ता क्या है, बहुवचन का है, छात्रा विद्यालय, तो छात्रा बहुवचन के साथ क्या आएगा, गच्छन्ति। क्या आएगा, गच्छन्ति। ठीक है, छात्रा विद्यालय को जाता है। अहम पुष्पम, अहम पुष्पम, अहम के साथ क्या आएगा, जिग्रामी, सुनता। क्या आएगा, जिग्रामी। ठीक है, अब देखिए सुख, सुख एक वचन है, सुख बदती। क्या आएगा, सुख बदती, तोता बोलता है। यूयम, यूयम के साथ क्या आएगा, ब्रह्मथ। क्या आएगा, ब्रह्मथ। ठीक है, तुम सब घूमते हो। बालकव द्विवचन है, तो इसके साथ क्रिया क्या आएगी आपकी, तीतः, तो क्या आएगी, क्रीडतः। क्या आएगा इसमें, क्रीडतः। ठीक है, आवाम, आवाम के साथ हम दो अर्थ है इसका, आवाम के साथ आएगा पठावे, हम दो पढ़ते हैं। देखिए आवाम के साथ क्या आया है यहाँ पर, पठावे, हम दो पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो पुराना आपने पढ़ा है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, उससे रिलेटेड भी आपको क्रिया दी गई है। और आज का जो चैप्टर, ये नहीं कहना कि उत्तम पुरुष है तो इसमें ये एक्सरसाइज क्यों दी गई है, क्योंकि ये आपके आगे जैसे जैसे क्लास जा रही है तो आपके अभ्यास कार्य में पहले के चैप्टर के भी मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आवाम हम दो, आवाम, आवाम देखिए पठाव है। ठीक है, तुम गुरु, तुम गुरु को, तुम नमसी, ठीक है, नमस्कार करो, सी था, सी था, था, ठीक है, तुम नमसी। आठवा है, आठवा जो प्रश्न है, वयम पाठव, वयम पाठम, तो इसमें वयम के साथ आमी आवे, आमे, वयम के साथ क्या आएगा, आम। ठीक है, ये नहीं है इसमें, वयम के साथ आम में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, उचित कर्ता पदम चितवा रिक्त स्थान ही पूरे। तो उचित अब क्या करना है, अब आपको कर्ता पद चुनने हैं इसमें से। देखिए वो अब आपको देखिए ऐसे ब्रैकेट दिया गया है, इसमें से कर्ता चुनना है, खदावे, खदावे के साथ क्या आएगा, आवामे। क्या आएगा, आवामे, तो देखिए आवामे, क्या आएगा इसमें, आवामे। अब देखिए नेक्स्ट है तरंती, तरंती के साथ क्या आएगा, सह तौ ते, ती तह अंति, तो यहाँ पर क्या आएगा, ते, ते तरंती, वे सब तैरते हैं। क्षेत्रम खनंती, खंती क्या है, एक वचन के लिए है, तो यहाँ पर कृष्क है खंती, क्या आएगा, कृष्क है खंती। अब क्रीड़ा में, क्रीड़ा में बहुवचन है, आमे आ रहा है, तो कर्ता क्या आएगा, वयम। क्या आएगा यहाँ पर, वयम। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर का है गायती, गायती देखिए स्त्रीलिंग सा, सा गायती। ठीक है, अब देखिए सिक्स है रक्षत, रक्षत है सी मध्यम पुरुष का है, तो सी थ, थ, तो मध्यम पुरुष में थ आता है, तो यहाँ पर क्या है, युवा। क्या आएगा, तुम युवा, युयम, तो यहाँ पर युयम। ठीक है, सेवन नंबर का देखिए जिग्रामी, तो जिग्रामी किसके साथ आता है, अहम के साथ, तो करता क्या होगा, अहम। अब देखिए आठवा है पश्यत, पश्यत आपका क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो पश्यत क्या आएगा, युयम। क्या आएगा, युयम, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बार बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड है आपका अधोलिखित नाम वाक्य नाम उत्तम पुरुष में परिवर्तन पूर्व, जो वाक्य है इनको आपको उत्तम पुरुष में परिवर्तन करना है। देखिए तुम क्रीडसी, इसको आप करोगे, तुम आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो आपको उत्तम पुरुष का भी एक वचन, अहम क्रीड़ा, क्या करना है, अहम क्रीड़ामी, मैं खेलता हूँ। अब देखिए तो गच्छत है, तो ये क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो आपको उत्तम पुरुष में चेंज करना, उत्तम पुरुष का भी द्विवचन, तो अहम आवाम, आवाम, आवाम गच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाई क्रिया, आवाम गच्छा। ठीक है, अब देखिए ते रक्षन्ति, ते क्या है आपका, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो आपको मध्यम जो उत्तम पुरुष है उसका बहुवचन क्या होगा, वयम, तो वयम के साथ क्या आएगा, आम है, वयम रक्षामि, क्या होगा, वयम रक्षामि। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसके पश्चात आपका युवाम पुत्र गच्छत, युवाम क्या है आपका, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो आपको उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, आवाम पुत्र गच्छावे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स
सह लेखम लिखती, तो ये प्रथम पुरुष है आपका, सह का होती है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हमको अहम लेखम लिखामी उत्तम पुरुष का भी एक वचन ही यूज करना है। अब देखिए सिक्स है आपका यूयम तर्थ है, तुम सब तैरते हो, तो देखिए तुम सब तैरते हो उसका क्या बनाएंगे हम, देखिए इसमें यूयम तर्थ है, यूयम तर्थ क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो आपको किसका उसका भी बहुवचन बनाना है यूयम तर्थ का, वयम तरामे क्या आएगा, वयम तरामे, वयम के साथ आमे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए छात्रौ धावते, छात्रौ धावते दो छात्र दौड़ते हैं, तो आपका क्या है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो आपको आवाम धवामे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आठवां है सा नृत्यति, तो इसमें देखिए सा नृत्य स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो यहाँ आएगा अहम नृत्यामि, क्या आएगा अहम नृत्यामि। अब देखिए आपको कुछ फोर्थ नंबर का कर्तापद से उचित रिक्त प्रत्यय मेलम करना है, क्या करना है मेल करना है, आवाम के साथ क्या आएगा, देखिए आवाम के साथ आएगा आवे है। अब देखिए किसी में भी आवे लगाए खेला, क्या लगाए खेला है, यहाँ विसर्ग आएगा खेला, ठीक है सॉरी यहाँ पर विसर्ग आएगा आपका खेला, ठीक है। अब देखिए सेकंड है ते, ते के साथ आपका तीते है अंति, अब देखिए तो आएगा हसंती, ठीक है क्या आएगा हसंती। अब देखिए त्वम के साथ आएगा सी, तो खादसी, क्या आएगा खादसी, जैसे आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। वयम के साथ आएगा आपका पठामे, वयम के साथ क्या आया है पठामे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है तव के साथ क्या आएगा आपका पठामे, क्या आएगा पठामे। अब देखिए तव के साथ आएगा सॉरी आपकी कीड़द, क्या आएगा कीड़द। अब सिक्स है यूयम के साथ क्या आएगा आपका बद, क्या आएगा बद्ध, क्योंकि मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब देखिए फिफ्थ नंबर का जो प्रश्न है आपको इनको शुद्ध करना है, वयम तर्थ है, तो तर्थे के तर्थे थोड़ी आएगा इसमें, वयम के साथ आमे आना चाहिए, देखिए वयम के साथ क्या आना चाहिए, इसमें क्या करना है वाक्य को शुद्ध करना है, वयम तर्थ है सॉरी फिफ्थ नंबर का तरामे, क्या आएगा इसमें तरामे, क्योंकि यहाँ पर आमे आया है तो तरामे। अब देखिए त्वम जिग्रति, तो इसमें आपका आएगा जिग्रसी, ठीक है त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है तो जिग्रसी। देखिए तौ हसावे हसते, क्या आएगा हसते। फोर्थ में धवामे, क्या आएगा धवामे। फिफ्थ में क्या आएगा आपका पीवंती। सिक्स में आएगा आपका लिखावे, आपको जो ग्रीन दे रखे हैं उनकी जगह आपको परिवर्तन करके वाक्य लिखना है। सेवन देखिए सिक्स में आएगा आपका लिखावे, फिफ्थ में पीवंती, सेवन में पश्चामी अगच्छामी, ठीक है। अब देखिए जो आपको सिक्स नंबर का दे रखा है पिवामी पिवावे पिवामे, ऐसे करना है, तो यहाँ पे किड़ामी किड़ावे है किड़ामी, पश्यसि पश्यत है पश्यत, तर क्या आएगा यहाँ पे तरामी तरावे तरामे, ठीक है। रक्षते रक्षसी रक्षते रक्षते, अब यहाँ पे जिग्रामी जिग्रावे जिग्रामे, ठीक है। बदसी बदधे बदधे, पचामी पचावे पच्छामे। इसको आपको जो प्रश्न नंबर सिक्स है इसको आप पीछे के जो चैप्टरों में देखोगे तो वहां पर आपको शब्द रूप, ये जो शब्द रूप है वो लिखे हुए हैं, धातु रूप सॉरी धातु रूप लिखे हुए हैं, उन धातु रूपों में से देख के किस तरीके से रूप चलते हैं, तो आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। आप देखिए आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है और चेक करवाना है, अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।